नमस्कार, पेंटिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम ग्लास पेंटिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है एक पुराना कपड़ा, बनाने के लिए डिज़ाइन, जो डिज़ाइन हमें बनाना है, एक शीशा या ग्लास, आप जितना भी बड़ा लेना चाहें उतना आप ले सकते हैं, एक आर्ट पेन या सुई, जो भी उनके लिए चीज़ हो वो। और ये ग्लिटर लिए है मैंने, और ये ग्लास पेंटिंग के कलर। तो हम बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शीशे को खूब अच्छे से साफ कर लेते हैं, या तो उसे साबुन के पानी से अच्छे से साफ कर लें फिर पोंछ लें, या फिर ज़्यादा गंदा यदि नहीं है तो कपड़े से ऐसे भी पोंछ के साफ किया जा सकता है। उसके बाद जो डिज़ाइन हमें बनाना है वो टेबल के ऊपर रखा, उसके ऊपर रखा शीशा, उसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। जहाँ हमें वो बनाना है वहीं पे उसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। और अब ये आउटलाइनर है, ब्लैक आउटलाइनर, हम इसकी मदद से पूरे डिजाइन पे आउटलाइन कर लेते हैं। जब हम आउटलाइन कर रहे होते हैं तो इस आउटलाइनर को ना ज़्यादा दबाएं और ना ही कम दबाएं, उस पर एक जैसा दबाव बना कर रखेंगे तभी ठीक आएगा। यदि हम ज़्यादा दबा देंगे तो कलर उसमें से ज़्यादा निकल आएगा। इस तरह हम पूरे पे आउटलाइन कर लेते हैं। आउटलाइन करते समय यदि डिज़ाइन थोड़ा सा खराब हो जाए, आड़ा तिरछा हो जाए, तो तुरंत कपड़े की मदद से, ये जो पुराना कपड़ा हमने रखा हुआ है इसकी मदद से उसे पोंछ लें और फिर दोबारा से बना लें। आउटलाइन का काम पूरा हो चुका है, अब हम इसको सूखने देते हैं। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो हम इसमें कलर भरेंगे। ये अच्छे से सूख गया है, अब हम इसमें कलर भरते हैं। सबसे पहले हम फूल में भरना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गोल्डन येलो कलर लिया है। जब भी बुलबुले आए तो पिन की मदद से हटा दीजिए। अब इसके ऊपर जब ये पीला ही है तो हम ये ग्लिटर इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा थोड़ा। आप चाहें तो इस शीशे के ऊपर यहाँ छेद होता है उसमें छेद करके उसकी मदद से भी डाल सकते हैं। कम डालें ज़्यादा डालें ये आपकी पसंद के ऊपर है, और जैसे भी डालें। अब दूसरी में भरना स्टार्ट करते हैं, उसमें भी ऐसे ही। पहले ये भरेंगे कलर और ऊपर से फिर ये ग्लिटर डाल देंगे।
इसी तरह इस पूरे फूल को हम पूरा कर लेते हैं। फूलों में भरने का काम पूरा हो गया है, अब हम पत्तियों में भरते हैं। पत्तियों में ये हम क्रिस्टल ग्रीन कलर भर रहे हैं। भरने का तरीका वही है जैसा फूलों में भरा था। फूलों में भरने के लिए हमने ये गोल्डन कलर का ग्लिटर लिया था। पत्तियों के लिए हम ये सिल्वर कलर का ले रहे हैं। आप चाहें तो एक ही कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो अलग अलग कलर का, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। कलर भर जाने के बाद हम ऊपर से ये सिल्वर कलर का ग्लिटर इस तरह छिड़क देंगे। और फिर इसकी मदद से इसे फैला देंगे। आप चाहें तो ये ग्लिटर छिड़क कर आप इससे टच ना करें, चाहें तो जैसे ये हम फैला रहे हैं ऐसे कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। इसी तरह सभी पत्तियों में भर लेते हैं। पत्तियों में हमने कलर भर लिया है, अब हम इसकी डंडियों में और ये जो बाकी हिस्सा बचा है इसमें ब्राउन कलर भर रहे हैं और उस पर ये गोल्डन कलर का ग्लिटर डालेंगे। तरीका वही है जो हमने पत्तियों और फूलों में भरा था तब अपनाया था। पहले कलर भरा और उसके ऊपर डाल दिया ग्लिटर और फिर इसी की मदद से हमने उसे फैला दिया। यदि जगह कम है और वहाँ ये ग्लिटर डालने में दिक्कत हो रही हो तो एक कागज़ के ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर डाला और नोज़ल को थोड़ा सा लगाया और वहाँ भर दिया। हमारी ग्लास पेंटिंग पूरी हो चुकी है, अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इसको जब तक ये सूखेगी नहीं तब तक इसे हम छुएंगे नहीं, ना ही किसी चीज से छूने देंगे और ना ही हाथों से छुएंगे, वरना इसके ऊपर वही निशान पड़ जाएंगे और पेंटिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लगभग एक दिन यानी 24 घंटे इसको सूखने में लग जाएगा। और जब हम इसकी आउटलाइन करते हैं तो आउटलाइन को भी अच्छे से सूख जाने के बाद ही हम कलर करना शुरू करते हैं तो ये बढ़िया बनती है, नहीं तो उसके भी हटने के चांस रहते हैं। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब ये पेंटिंग सूख जाए तो आप इसके नीचे अपना मनमाना कलर लगवाकर फिर इस पर फ्रेम करवाइए, या फिर आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉयल इसके नीचे लगवाकर भी आप फ्रेम करवा सकते हैं। फ्रेम करवाकर आप अपने घर में टांगिए, आप भी बनाइए इसको। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।